हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सभी आइए स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 का नेक्स्ट सेक्शन और आज हम करेंगे सेक्शन 18 एंड 19 सो स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट दैट इज 18 18 सेक्शन बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग राइटिंगनोलेजमेंट सो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे सपोज कीजिए आप एक स्टेटमेंट देते हैं एक राइटिंग में अबाउट पर्टिकुलर डेप्थ आपने किसी से पैसा लिया है और अब आप उसको राइटिंग में एक स्टेटमेंट देते हैं किस चीज की दैट यू आर नाउ नॉट एबल टू पे बाय दैट मनी दैट यू हैव टेकन फ्रॉम हिम सो आप इस तरीके से क्या करते हो एडमिशन इन राइटिंग ठीक है इन राइटिंग किस चीज का जैसे यू विल नॉट बी एबल द टू पे द मनी राइट right? सेक्शन 18 में पहले लिख रही हूँ मेंस में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ठीक है मेंस के क्वेश्चन में आता है और बेटर है आप सेक्शन 18 को जैसे मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी ऐसे पेपर में डिस्कस करके आना लिख के आना कैसे यू हैव टू फर्स्टली टेल व्हाट सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट सेज देन यू हैव टू रिलेट इट विद इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन रिलेट करोगे सेक्शन सिक्सटी फाइव एंड नाइनटी मैं बताऊंगी कैसे ठीक है और फिर आपने इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ऑल्सो रिलेट करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा सेक्शन 25 फाइव की एलेट्रेशन थ्री सेक्शन 25 क्लोज ट्वेंटी की एलिस्ट्रेशन ई e. तो ये सब अगर आप लिख के आओगे यू विल गेट हंड्रेड परसेंट क्यों क्योंकि आपको एक एक्ट को दूसरे के साथ कोरिलेट करके दिखाना होता है ये मैं हर क्लास में हर सेशन में आपको बोलती हूँ सो लेट स्टार्ट एक्नोलेजमेंट क्या होता है वेयर बिफोर द देशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से पैसा लिया ए ने बी से और बी ने कहा कि मैं तेरे को तीन महीने में पे कर दूंगा आफ्टर थ्री मंथ पे यू तो व्हेन दिस प्रिस्क्राइब पीरियड इज ओवर फॉर द सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी या राइट सो एन एक्नोलॉजमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट इन सच प्रॉपर्टी राइट हैज बीन मेड इन राइटिंग साइन बाय दैट पार्टी एक पार्टीजमेंट बनाते हैं और एक ये, ये साइन होगी ठीक है बाय द पार्टी अगेंस्ट पार्टी हुम सच प्रॉपर्टी राइट इज क्लेम्ड और बाय एनी पर्सन ये किसके खिलाफ बनाएगा ए के खिलाफ क्योंकि इसने ऐसे ही वो प्रॉपर्टी या कुछ लिया था जरूरी नहीं है डेट कुछ भी हो सकता है आपने उससे कोई सामान लिया है या कोई राइट ऐसा है जो आपका उसके खिलाफ बनता है राइट सो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शाल बी कंप्यूटेड

ठीक है इसने कहा मैं आपको तीन, तीन साल बाद दूंगा तो टूर्स और दस महीने की मतलब दो महीने बचे थे अभी ए ने क्या किया एक written acknowledgement दी ठीक है रिटर्न एक्नोलेजमेंट किसकी सॉरी फॉर डेट नॉट पेड येट भी मैं सॉरी मांगता हूँ अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए हैं अब जिस दिन उसने ये एक्नोलेजमेंट लिखी सपोज कीजिए उसने एक्नोलेजमेंट लिखी वन जुलाई को ठीक है सो वन जुलाई को जब उसने ये एक्नोलेजमेंट लिखी फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम वेयर फ्रॉम नेक्स्ट लाइक टू जुलाई से वो फ्रेश टाइम पीरियड पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा किस किस चीज का फॉर थ्री ईयर्स मतलब उसने एक्नोलेज कर दिया कि हाँ मैंने पैसे लिए हुए राइटिंग में उसने प्रूफ भी दिया है कि मैं ओ करता हूँ तुम्हें ये पैसे और मैं जरूर पे करूंगा बट अभी मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ तो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन थ्री ईयर्स फिर से स्टार्ट हो जाएगा टू जुलाई से फिर से वो तीन साल और कंटिन्यू होगा एक चीज याद रखना जिस डे को एक्नोलिजमेंट लिखी है वो डे कैलकुलेट नहीं होता है राइट देन वेयर द राइटिंग द इज अनडेटेड मतलब कोई डेट नहीं लिखी है ओरल एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द टाइम वेन इट वॉज साइंड आप एक ओरल एविडेंस दे देंगे वहां ओरल एविडेंस दी जाएगी कि मैंने उस दिन साइन की थी बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओरल एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट शेल नॉट बी रिसीव बस डेट की ही आप ओरल एविडेंस देनी होती है कंटेंट्स की नहीं दोगे आप जैसे सेक्शन नाइनटीन पढ़ा था ना इंडियन एविडेंस एक्ट का कंटेंट्स के देनी है तो आपको सेक्शन 65 के अंडर देनी पड़ेगी आप उसको देखो पढ़ के मैंने सेक्शन 65 डिस्कस किया इंडियन एविडेंस में बट आप यहाँ पर सिर्फ डेज की दोगे तो 91 ठीक है अगर एग्जाम्पल में ए आफ्टर तीन साल के बाद एक्नोलिजमेंट देता या कोई बिफोर पीरियड ऑफ लिमिटेशन से पहले एक्नोलिजमेंट ना दे पाता मतलब पूरे तीन साल बाद के उसके बाद देता तो ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बन जाएगा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमने सेक्शन 65 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है उसमें देखिए आप टाइम बैरेट डेप्थ उसे बोलते हैं कि टाइम निकल जाने के बाद आप उस डेट को कहते हो कि मैं तुम्हारा जरूर पे करूंगा बट टाइम निकल गया तीन साल निकल गए तो होना ही काफी है बस उसमें प्रॉपर्टी लिख दी वही काफी है विदाउट मेंशनिंग एवरी डिटेल अबाउट इट ये जरूरी नहीं आप हर चीज लिखे बट ये कह दो मैंने लोन लिया है या मेरे पास तुम्हारी ये चीज है एक्नोलिजमेंट पहले कर दी तो तीन साल मतलब टाइम पीरियड पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने से पहले कर दी तो आपका फ्रेश टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा बट अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद करें तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाती है दिस वन तो पता चल गया मैं कैसे रिलेट कर रही हूँ इन चीजों को रिफ्यूजल टू पे प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एन एक्नोलिजमेंट वो भी एक एक्नोलिजमेंट अगर आप कंप्लीटली रिफ्यूज करते हैं तो क्योंकि आप मान तो रहे हैं कि आपने लिया है पैसा एक्नोलिजमेंट में सिर्फ मानने ही होता है देन क्लेम ट प्रॉपर्टी भाई आप क्लेम करते कि इसको सेट ऑफ कर दीजिए यहाँ से यह कर दीजिए ये भी एक तरीके का एक्नोलेजमेंट है इफ़ एक्नोलेजमेंट इज एड्रेस्ड टू अदर पर्सन दैन अ पर्सन एन टाइटल टू प्रॉपर्टी वो भी एक तरीके का एक्नोलेजमेंट है सपोज कीजिए यहाँ ए था ए ने बी से पैसा ले रखा था सपोज ए यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन सी को लेटर में लिखता है कि मैंने ऐसे ऐसे बी से पैसा लिए पाऊंगा बाद में दूंगा तो ये भी एक एक्नोलेंट है ना दैट आई ओ मनी फ्रॉम बी राइट आई ओ मनी टू बी सो साइंड मस्ट बी ईदर पर्सनल और एजेंट ऑन द एक्नोलेंट आपको साइन करने होंगे दैट इज मस्ट साइंड होनी चाहिए देन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑर्डर शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी राइट देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग मेन पॉइंट आपको जो ध्यान रखने हैं एक्नोलिजमेंट मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपाइरेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर लिमिटेशन एक्ट आपको बिफोर

देखिएगा क्या बात है डेट मतलब की पेमेंट कर दी पूरी या आपने कुछ इंस्टॉलमेंट या कुछ इंटरेस्ट अभी उसका दिया है मतलब कंप्लीट नहीं दी है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड यहीं पर एग्जाम्पल देख लीजिए जो ए बी का था ये थाउजेंड रुपीज का लोन ले रखा था थ्री इयर्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन सपोज कीजिए उसने इसमें से कोई दो सौ रुपए की इंस्टॉलमेंट बाई चांस पीरियड ऑफ लिमिटेशन से पहले पे कर दी बाय द पर्सन और हिज एजेंट ठीक है देन दे विल बी लाइबल टू पे अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब से स्टार्ट हो जाएगा शेल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम वेन द पेमेंट वॉज मेड यहाँ पर मतलब पेमेंट जो दे रहे हैं वो यही तो टेक्नोलॉजी तो कर रहे हैं अभी हमारे पास आपका कुछ पैसा तभी तो हम दे रहे हैं आज के टाइम में कोई किसी कोई क्यों देगा क्योंकि उसको पता है कि मैंने इससे पैसा लिया है तभी मैं इसको दे रहा हूं तो यहां तो थे नोटिस या एक्नोलॉजमेंट लिख के देना बट यहाँ पर अगर आप कुछ भी पे करोगे इफ यू पे पार्टली और या आप कोई इंटरेस्ट देते हैं तो इसका मतलब जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा वो उसी डेट से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन आपने वो पेमेंट फर्स्ट पेमेंट की है राइट सपोज ए गिव्स लोन टू बी ए एक एग्जांपल देखते हैं ए बी को लोन देता है कितने का टू लाख का थ्री ईयर्स का पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये हमेशा याद रखना ठीक है अब दो टू ईयर्स में पे कर देता है बाय चांस वो दो साल के अंदर अंदर बी उसको फिफ्टी थाउजेंड दे देता है अभी बीबी डेढ़ बचा है राइट तो आफ्टर टू ईयर्स जिस दिन उसने वो पे किए दो साल के बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो पूरा थ्री ईयर्स था बट दो साल में वो पचास हजार दे देता है तो ये थ्री ईयर्स का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ये टू ईयर्स के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर से से फिर से three years का limitation, period of limitation, start हो जाएगा right? अब आता है ठीक है किसी की मोटगेज लैंड जो होता है की ही में है सो द रिसिप्ट ऑफ रेंट या प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड शैल बी डीम टू बी पेमेंट मतलब आप या तो उसकी कोई रिसिप्ट देते हो तो या उस लैंड को उसको देते हो तो इसका मतलब आप पेमेंट दिखा रहे हो सो डेट हेयर नोट इंक्लूड्स मनी पेबल अंडर डिग्री ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऐसी वो डेट इंक्लूड नहीं करते डेट मींस जनरल जॉब किसी से पैसा उधार पर लेते हो डेट इज वी आर टॉकिंग अबाउट सो इट इज सेक्शन एटीन एंड नाइनटीन ऑफ लिमिटेशन एक्ट आई होप यू अंडरस्टूड देन अगेन वी विल सी सेक्शन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर इन नेक्स्ट सेक्शन वो भी इन्ही चीजों से रिलेटेड है आप ये कंसेप्ट अच्छे समझिए ताकि आपको नेक्स्ट सेक्शन अच्छे से समझ में आए टिल देन है गुड डे कीप वॉचिंग थैंक यू